दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी है वो है 0241 जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला वाया चूरू COVID-19 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है और यह रोजाना चलने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन है जो 12 दिसंबर 2020 से जोधपुर से रोजाना शाम में चलकर मेड़ता रोड, रतनगढ़, चूरू, लोहारू, रेवाड़ी के रास्ते अगले दिन सुबह में दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला की टोटल डिस्टेंस 619 किलोमीटर को करीबन 59 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 10 घंटे और 35 मिनट में तय करेगी और इस ट्रेन का 15 स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। वही दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को भगत की कोठी लोको सेट का WDP4, 4B या 4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाएगा। तो वही दोस्तों, बात करें अगर इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में ICF रेक श्रेणी के कोच रहेंगे और इस ट्रेन में एक कोच फर्स्ट AC कम सेकेंड AC का, एक कोच फर्स्ट AC का, एक कोच सेकेंड AC का, 4 कोच थर्ड AC के, 11 कोच स्लीपर क्लास के और 4 कोच सेकंड सीटिंग, 2 कोच गार्ड यान को मिलाकर कुल 24 कोच रहेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के किराए की तो इस ट्रेन का रेलवे ने अभी तक किराया रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया, इसलिए आने वाले नए वीडियो में आपको इस ट्रेन का अपडेटेड किराया मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 02481 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला वाया चूरू COVID-19 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 12 दिसंबर 2020 से जोधपुर जंक्शन से रोजाना शाम में 6:45 पर रवाना होगी और दोस्तों, यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचेगी मेड़ता रोड जंक्शन रात में 8:10 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 8:15 पर यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज रेन 8:29 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 8:30 पे यहां से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, डेगाना जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 8:50 पे और 3 मिनट ठहराव के बाद 8:53 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा छोटी खाटू, 9:19 में यहां पहुंचेगी और 2 मिनट ठहरने के बाद 9:21 पे यहां से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, डीडवाना यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 9:52 पे और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद 9:55 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा लाड़नू, 10:17 पे यहां पहुंचेगी और 5 मिनट ठहरने के बाद 10:22 पे यहां से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, सुजानगढ़ यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 10:32 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 10:37 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले स्टॉपेज रतनगढ़ जंक्शन 11:47 पे और 3 मिनट ठहराव के बाद 11:50 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी चूरू जंक्शन रात में 12:25 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 12:35 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा सादुलपुर जंक्शन, रात में 1:17 पे यहां पहुंचेगी और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद 1:20 पे सादुलपुर जंक्शन से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी लोहारू जंक्शन रात में 1:57 पे और 3 मिनट ठहराव के बाद रात में 2:00 यहां से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, रेवाड़ी जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी 3:47 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 3:52 पे यहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा पटौदी रोड, 4:10 पे यहाँ पहुंचेगी और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:12 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, गुड़गांव यह ट्रेन पहुंचेगी 4:33 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:35 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज दिल्ली कैंट 4:51 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:53 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी अपने लास्ट स्टॉपेज दिल्ली सराय रोहिला सुबह में 5:20 पे और यहां तक 619 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगी। तो दोस्तों, यह थी 02481 जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला वाया चूरू COVID-19 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की
जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें, ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।